हेलो एंड वेलकम टू कंप्लीट अफेयर्स। मैं हूं सौरभ राय। अभी तक आपने ये न्यूज़ पढ़ा होगा, ईरान एंड सम अदर कंट्री लॉस्ट वोटिंग राइट इन यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। इस वीडियो में बहुत ही सरल शब्दों में और कंप्लीट एनालिसिस हम करते हैं कि ईरान और सम अदर कंट्री ने ये वोटिंग राइट कैसे लूज़ की है, इसके पीछे क्या रीज़न है और यूनाइटेड नेशन ने ऐसा स्टेप्स क्यों लिया है। तो चलिए इस वीडियो में हम क्रिस्टल क्लियर करते हैं ईरान और सम अदर कंट्री के वोटिंग राइट के अबाउट। यूएन सस्पेंड वोटिंग राइट, ये न्यूज़ कटआउट है। यूएन सस्पेंड ईरान वोटिंग राइट फॉर डेलिंक्वेंट ड्यूज। ईरान और सम अदर कंट्री जैसे नाइजर, लीबिया, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, साउथ सूडान, जिम्बाब्वे, ये कंट्री जो है वोटिंग राइट इनकी जो है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की ये सस्पेंड कर दी गई है। ये सस्पेंशन जो वोटिंग राइट की हुई है ये किस लिए हुई है? तो यूनाइटेड नेशन ने ये बताया है कि ये वोटिंग राइट इनकी सस्पेंड की गई है ड्यू टू पेमेंट। जो ड्यूज़ हैं, ईरान बहुत ही कई सालों से ये ड्यूज़ पेमेंट नहीं कर रहा है। अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि ईरान के फॉरेन मिनिस्टर का रिएक्शन इस पे क्या आया है, जो ये यूनाइटेड नेशन ने ये डिसीजन लिया है। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर जावेद जरीफ ने ये कहा है, अनएक्सेप्टेबल ईरान सस्पेंशन ऑफ द यूएन वोटिंग राइट। इन्होंने कहा है कि तेहरान कुड नॉट पे इट एरियर्स ड्यू टू यूएन सेंक्शन। इन्होंने ये बोला है कि ईरान ड्यूज जो है वो यूएस के सेंक्शन की वजह से पेमेंट नहीं कर पा रहा है। अब हम आपके मन में एक क्वेश्चन जरूर आएगा कि क्या यूएन जो है वो कंट्री के, हर कंट्री के जितनी उसकी मेंबर कंट्री हैं उन मेंबर कंट्री के कंट्रीब्यूशन से क्या फंक्शन करता है? तो इसका आंसर है हाँ। यूएन का कोई अपना अदर कोई इनकम कोई सोर्स नहीं है। तो इस फिगर में आप देख रहे हैं कि 104 मेंबर स्टेट, ये जो है 2021 का जो इनका कंट्रीब्यूशन का जो लिस्ट है उसमें 104 मेंबर स्टेट ने अभी तक अपना फुल जितना भी उनको बजट पेमेंट करना होता है यूएन को उन्होंने कर दिया है। जैसे यूक्रेन, कनाडा, लातविया, अर्मेनिया, डेनमार्क, इन्होंने अपना पूरा कंट्रीब्यूशन पेड कर दिया है, फुल पेमेंट कर दिया है। कुछ कंट्री अभी फुल पेमेंट नहीं की हैं, जैसे उन्होंने हाफ पेमेंट किया है या वो सम इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करेंगे। अब यूएन में जो कंट्रीब्यूशन होता है वो इंडिया एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर है, जैसा इस फिगर में आप देख रहे हैं कि इंडिया ने इतना अमाउंट, इतना यूएस डॉलर जो है वो पेमेंट किया है और पेमेंट की डेट भी यहाँ पे 29 जनवरी 2021 को इंडिया ने पेमेंट किया है। इवन भूटान ने भी अपना पेमेंट कर दिया है 4 फेब 2021 को। बट ईरान और ये 6 अदर कंट्री जो है इन्होंने पेमेंट नहीं किया है, जिनके ऊपर ये वोटिंग राइट इनकी सस्पेंड की गई है। अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि ईरान ये ड्यूज़ क्यों नहीं पेमेंट किया है। पिछले कई सालों के इनके ड्यूज़ अभी पेमेंट नहीं है। तो जावेद जरीफ, इनके जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, इनका एक ट्विटर के माध्यम से इन्होंने एक ट्वीट किया है और लिटरली इसमें इन्होंने बहुत सारी चीज़ें इन्होंने बताई हैं। जैसा इन्होंने बोला है कि यूएस के सैंक्शन जो है वो ईरान में एक इकोनॉमिक टेररिज्म की तरह हैं और ये इस इकोनॉमिक टेररिज्म की वजह से ईरान जो है अपने लोगों को फूड भी प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है एक रीज़नेबल प्राइस पे। वहाँ पे
फूड की, स्टारवेशन की, ये सब काफ़ी प्रॉब्लम है। और इस सैंक्शन की बोझ में ईरान दबा है, और इसके वजह से ईरान जो है वो अपने ड्यूज पेमेंट नहीं कर पा रहा है। ईरान कैसे पेमेंट कर दे उसके ऊपर यूएस के इतने भारी सैंक्शन लगे हुए हैं। लिटरली इसमें इन्होंने ये बोला है कि ईरान में फूड की, स्टारवेशन की इतनी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, इन्होंने खुद एक्सेप्ट किया है। जावेद जरीफ जरीफ जो वहाँ के फॉरेन मिनिस्टर हैं, और इन्होंने ये अपना लेटर अटैच करके एंटोनियो गुटरेस जो वहाँ यूएन के सेक्रेटरी जनरल हैं उनको ये ट्वीट किया है। अब हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि कौन कौन सी ये जो कंट्री हैं जिनके ऊपर ये इनकी वोटिंग राइट सस्पेंड की गई है, तो इनके कितने कितने ड्यूज़ हैं जिसके वजह से इनकी वोटिंग राइट सस्पेंड की गई है। तो जैसे इस फिगर में हम देख रहे हैं कि ईरान के इतने यूएस डॉलर, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक के इतने, कॉमरोस के, सोमालिया के, टूम एंड प्रिंसिप के इतने यूएस डॉलर इनको पेमेंट करना पड़ेगा टू रिस्टोर वोटिंग राइट इन यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। अब ईरान में फूड शॉर्टेज एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, वहाँ पे स्टारवेशन, भूखमरी बहुत ही एक्सट्रीम लेवल पे है। ये बात सच है कि इंडिया की तरह वहाँ पे फ्री मीडिया नहीं है, वहाँ पे मीडिया भी अंडर गवर्नमेंट काम करती है, और जितना गवर्नमेंट चाहती है उतना ही मीडिया शो करती है। इंडिया में कोई भी व्यक्ति, या वो यूएस से या किसी अदर कंट्री से, वो आ सकता है, कोई पत्रकार इंडिया में आ सकता है, और यहाँ की अच्छी चीज़ों को अगर वो नहीं दिखाना चाहता है, वो किसी प्रॉब्लम को जैसे भूखमरी, फूड की क्राइसिस, एनीथिंग, वो यहाँ पे मीडिया जो है, पत्रकार जो है, उसको इंटरनेशनल मीडिया में वो शो कर सकता है, दिखा सकता है कि ये प्रॉब्लम इंडिया में है, और ये इंडिया में पॉसिबल है। बट ईरान में फ्री मीडिया नहीं है जिसमें ये पॉसिबल नहीं है, इसलिए वहाँ ईरान में कोई न्यूज़ चैनल जैसे CNN, BBC, ये कोई भी न्यूज़ चैनल वहाँ पे पत्रकार वहाँ पे जाके और फ्री वहाँ पे पत्रकारिता नहीं कर सकते, जिसके वजह से वहाँ की प्रॉब्लम सोशल मीडिया पे नहीं दिखती हैं, जिससे हमको बहुत ज़्यादा वहाँ की प्रॉब्लम के बारे में पता नहीं चलता है। लेकिन ये एक न्यूज़ कटआउट है। इन्फ्लेमेशन रन्स रैम्पेंट इन तेहरान एज ईरान गवर्नमेंट स्ट्रगल्स टू स्टेम राइजिंग फूड प्राइसेस। गवर्नमेंट इन ईरान स्ट्रगल टू प्रोवाइड अफोर्डेबल फूड एमिड इस शॉर्टेज। ये बात बिल्कुल सही है, वहाँ की गवर्नमेंट लोगों को अफोर्डेबल फूड और वहाँ की शॉर्टेज नहीं रन कर पा रही है, रिजनेबल प्राइस पे लोगों को खाना नहीं प्रोवाइड करा पा रही है। स्टारवेशन ईरान में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। कुछ एक्सपर्ट के इस रिगार्डिंग कुछ ओपिनियन हैं, जैसे इस पिक्चर में आप देख रहे हैं कि सैंक्शन की बोझ में ईरान दबा पड़ा है, और एक्सपर्ट के ओपिनियन हैं ईरान इकॉनमी इज़ क्लोजर देन एवर टू कोलैप्स। लिटरली ये इनका ओपिनियन है कि ईरान बहुत ही क्लोज हो गया है, वो वहाँ ईरान की इकॉनमी कोलैप्स कर सकती है अगर ऐसे ही यूएस के सैंक्शन अगर काफ़ी दिनों तक, कुछ और दिनों तक अगर इम्पोज रह गए, तो ईरान की इकॉनमी कोलैप्स कर सकती है, और ये कंट्री लिटरली डिफॉल्ट कर सकता है बहुत सारे लोन का। ईरान इज क्लोजर देन एवर बिफोर टू रेजिम कोलैप्स, से फॉर्मर बराक ओबामा सिक्योरिटी एडवाइजर। इन्होंने भी ये कहा है कि ईरान बहुत ही क्लोज खड़ा हुआ है ये कोलैप्स करने के, ये कंट्री इकोनॉमिक कोलैप्स कर सकती है, डिफॉल्ट कर सकती है। अब मैं आपका ओपिनियन जानना चाहूँगा कि क्या
ईरान के ऊपर जो ये डिसीजन यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने लिया है और जिसके वजह से ईरान यूनाइटेड नेशन के जो ड्यूज़ हैं, जो पेमेंट है, वो नहीं कर पा रहा है यूएस के सैंक्शन, तो क्या यूएस के सैंक्शन ऐसे अगर कुछ दिनों तक जारी रहते हैं तो ईरान एक डिफॉल्टर कंट्री हो सकता है, बहुत सारे लोन को डिफॉल्ट कर सकता है और वहाँ पे टेररिज्म, स्टारवेशन, इस तरह की प्रॉब्लम बहुत ही एक्सट्रीम लेवल पे हो जाएगी। तो क्या ये डिसीजन ईरान के लिए अच्छा है या ये डिसीजन को चेंज करना चाहिए यूनाइटेड नेशन को, और इस पे यूनाइटेड नेशन को यूएस के जो सैंक्शन हैं उसके रिगार्डिंग कुछ डिसीजन लेना चाहिए जिससे ईरान जो सैंक्शन की बोझ में दबा है उससे वो निकल जाए। तो आप अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में लिखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।